नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा क्लासेस। जैसे ही दोस्तों आज सुबह का मैं अखबार पढ़ रहा था और जैसे ही मैंने अखबार का पहला पेज खोला उसके अंदर मैंने देखा कि एक तीन व्यक्तियों की तस्वीरें आ रखी थी और उसके ऊपर दे रखा था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन व्यक्तियों को दिया जा रहा है। जैसे ही मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो नाम निकल के आया भारत रत्न। भारत रत्न जो है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पुरस्कार या अवार्ड दिए जाते हैं, सम्मानित रूप में दिए जाते हैं। जैसे अगर आप सेना में आप जाते तो परमवीर चक्र दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण है ना, और दादा फाल्के पुरस्कार, इस टाइप में और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं जो अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। अच्छा, ये किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, है ना, और जिन व्यक्तियों को ये सम्मान मिलता है, अभी हम बात कर रहे हैं भारत रत्न की, जिन व्यक्तियों को भारत रत्न मिलता है, किसी क्षेत्र में मिलता है, क्यों मिलता है, और इनको सम्मान मिलने के बाद क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है, और इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी सम्मान की शुरुआत, तो वो सारी की सारी डिटेल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मैंने कहा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं, पांच व्यक्ति, उनको अभी लेके आते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। ये जो पदक आपके सामने दिख रहा है ना, ये जो पदक आपके सामने दिख रहा है इसकी थोड़ी सी विशेषता बताने वाला हूं। ये एक पीपल का पत्ता है दोस्तों, ये क्या है, पीपल का पत्ता है जो तांबे की धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तांबे की धातु से बना हुआ है पीपल का पत्ता, और इसके बीच में जाओगे, यहां पर बीच में जाओगे तो यहां पर चांदी का सूर्य बना हुआ है, चमकता हुआ सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके नीचे जाते हो तो यहां देवनागरी लिपि में आपको भारत रत्न लिखा मिलेगा, और इसके साथ साथ तत्कालीन जो भी राष्ट्रपति होते हैं, जैसे है ना आज जो राष्ट्रपति है उनके साइन मिलेंगे इसके अंदर। इसकी बैक साइड में जाओगे तो दोस्तों अशोक चिन्ह मिलने वाला है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो मिलने वाला है, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते वो मिलने वाला है। ये जो पीपल का जो पत्ता जो पदक है इसकी जो लंबाई दे रखी है, यहां से यहां तक जो लंबाई दे रखी है 5.8 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई दे रखी है, तथा इसकी जो चौड़ाई दे रखी है 4.7 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 3.1 मिलीमीटर, एमएम लिख दिया मैंने, 3.1 मिलीमीटर इसकी मोटाई दे रखी है। तो ये कुछ विशेषता इस पदक के बारे में आप बताया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो पांच व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको 2024 में यह सम्मान दिया गया है, तो पहले उन पांच व्यक्तियों के बारे में बताने वाला हूं, मैं आपको फोटो के साथ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए इधर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, इनको मिला है, पीवी नरसिम्हा राव है, इनको मिला है, चौधरी चरण सिंह है, इनको मिला है, लाल कृष्ण अडवाणी है, इनको मिला है, और कपूरी ठाकुर है जिनको यह सम्मान दिया गया। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी, और उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की थी। लेकिन 1955 के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया गया, क्योंकि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था कि व्यक्तियों को मरणोपरांत भी दिया जाए यह सम्मान, लेकिन 1955 के अंदर क्या किया गया, 1955 के अंदर बदलाव किया गया और मरणोपरांत भी यह सम्मान दिया जाने लगा। और अभी हाल ही में बता दूं, वर्तमान की स्थिति ये बता दूं, वर्तमान में सिर्फ लाल कृष्ण अडवाणी है जो भी जीवित है, बाकी सभी लोगों, चार लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, ये पुरस्कार की शुरुआत मैंने बता दी कब हुई, 1954 में, 1955 में इसके अंदर बदलाव किया गया। ये जो पुरस्कार है ना 26 जनवरी को दिया जाता है, और हर साल केवल 3 व्यक्ति को चुना जाता है, और ये पहली बार ही ऐसा हुआ है 2024 में, इस साल 5 व्यक्ति को चुना गया, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, और खेल के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, असाधारण योगदान है, उन्हीं व्यक्ति को चुना जाता है और यह सम्मान दिया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। तो मैंने अभी अभी बताया कि कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो अभी तक जो व्यक्ति है, अब तक
2019 तक 48 व्यक्ति थे, लेकिन अभी इसमें 5 व्यक्ति जो आपके सामने अभी आपने देखे हैं, ये लोग हैं जिनको और मिला है, तो 53 व्यक्ति ऐसे हैं बेटा जिनको ये सम्मान दिया गया है। इन 53 में आपको बता दूं 18 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत मिला, जैसे अभी आपने देखा कि सिर्फ लाल कृष्ण अडवाणी ही ऐसे थे जो जीवित थे, बाकी सबको मरणोपरांत ही मिलता है। तो अभी कुल व्यक्ति कितने हो गए, 18 व्यक्ति जिनको मरणोपरांत मिला। अच्छा, सबसे पहले जिनको ये भारत रत्न मिला था 1954 में मिला था, तो पहले नंबर पर जिसका नाम आता है श्री राजा गोपालचार्य का नाम आता है। एक्चुअली क्या, इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ मिला था। दूसरा सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, और सीवी रमन को, यानी कि ये तीन वो व्यक्ति हैं जिनको 1954 में ये सम्मान दिया गया था। इसके अलावा पूरी लिस्ट लंबी है, आप चाहो तो गूगल पर जाकर एक बार देख सकते हो, या यहीं से अगर आपको पढ़ने में आया तो एक बार इनको पढ़ लेना। चलिए, इसके बाद अगले जो व्यक्ति है वो देख लीजिए, जहां तक 48 है जिनको यहां तक दिया, और 5 व्यक्ति जिनके बारे में भी आपको बता दिया। चलिए, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि ये जो पुरस्कार है भारत रत्न किस क्षेत्र में किन व्यक्तियों को दिया जाता है, देखिए एक बार मैंने बताया कि राष्ट्र निर्माण में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जिन्होंने असाधारण योगदान दिया हो, उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा, किस क्षेत्र में दिया जाता है, फील्ड बता रहा हूं, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, और खेल क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है। मैंने बताया इसकी जो शुरुआत 2 जनवरी 1954 को उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरुआत की गई थी, और 1955 के अंदर, देखिए आगे 1955 के अंदर इसमें बदलाव किया गया। तो मैंने बताया शुरुआती दिनों में मरणोपरांत सम्मानित करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 में बदलाव किया गया, फिर मरणोपरांत भी यह सम्मान दिया जाने लगा। यह मैंने आपको पहले बता दिया, फिर से देखिए, भारत रत्न एक साल में केवल 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन ऐसा इस साल फिर से बदल गया वो नियम, अब 5 व्यक्तियों को मिला इस साल। इससे पहले हमेशा 3 व्यक्तियों को मिलता था, 2024 में कितना हो गया, ये 5 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया उनको सुविधाएं क्या क्या दी गई। सबसे पहले देखो, उनको टैक्स फ्री किया जाता है, पहला जो सम्मान के रूप में जिनको, जिन्होंने भारत रत्न जिनको प्राप्त है, तो उनको टैक्स फ्री कर दिया गया। दूसरा, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर वो क्या कर सकते हैं, खास अतिथि के रूप में भाग ले सकते हैं। जैसे भी अगर आप लाल किले पर जाते हो, या फिर ऐसी जगह पर जहां पर 15 अगस्त मनाई जाए, 26 जनवरी मनाई जाए, तो उस समय आप एक खास अतिथि होते हो और सम्मानित रूप में आपको जगह मिलती है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी के हकदार होते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वो होता है जो राजकीय या फिर जो सरकारी अधिकारी होते हैं जो विदेशों में यात्रा करते हैं, तो जो विदेशों में यात्रा करते हैं जो उनको सुविधाएं दी जाती है, वही भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है, वो सुविधाएं दी जाती है भारत सरकार की तरफ से उनको सम्मानित रूप में। और किसी भी, चाहे वो हवाई जहाज में यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा करें, बस में यात्रा करें, वो बिल्कुल निशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो यात्रा कर सकते हैं। ये सम्मानीय रूप में दिया गया। संसद की दोनों बैठकों में या सत्र के समय भाग ले सकते हैं, और भाग लेने के बाद क्या कर सकते हैं, अगर वो किसी राज्य में घूमने के लिए जाते हैं तो उनको राज्य अतिथि के रूप में दर्जा दिया गया है, यानी कि वो राज्य है जिस राज्य में जाएंगे तो उसको अतिथि के रूप में लेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, संसद के दोनों सदन, विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है, संसद चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, है ना, दोनों सदन में उनको विपक्ष का जो नेता होता है उसके बाद इसको दर्जा दिया गया है सम्मान के रूप में। भारत सरकार इन्हें वरंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह देती है। वरंट ऑफ प्रेसिडेंट एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसमें आपको ये जगह मिलती है। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हो कि जिन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया तो भारत सरकार की तरफ से उसको बहुत सारा सम्मान मिलता है। क्या आपको पता है कि जिन व्यक्तियों को यह सम्मान मिलता है क्या उनको कोई पुरस्कार के रूप में धनराशि मिलती है? तो दोस्तों, पुरस्कार के रूप में उनको कोई धनराशि नहीं मिलती है, सिर्फ आपको क्या वो पदक मिलता है, स्मृति चिन्ह मिलता है, और उसके अलावा प्रमाण पत्र राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के साइन के द्वारा दिया जाता है, वो आपको मिलता है। ठीक है, मैंने बताया इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहले मैं बताया 1954 में सबसे पहले चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य को मिला, 3 व्यक्तियों मिला जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया।
अब तक 53 व्यक्तियों को मिल चुका है और 18 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। अभी 2024 की जो 26 जनवरी है उस समय दो व्यक्तियों का नाम अनाउंसमेंट हुआ। आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख देखोगे तो आज आप देखो तीन व्यक्ति जिनके बारे में अभी मैंने बताया, उन तीन व्यक्तियों का भी नाम अनाउंसमेंट हुआ है, तो यह सम्मान दिया गया। तो इस प्रकार की जो जानकारी है, जो भारत रत्न जिन व्यक्तियों को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र की व्यक्ति जिनको दिया जाता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है भारत सरकार की तरफ से, तो कुछ जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं ये जितनी भी जानकारी मैंने आपसे साझा की आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आएगी। और ऐसी ही जानकारी अगर आपको और चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मैंने कुछ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी की तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ये सम्मानित, मेरे लिए सम्मान की बात होगी अगर आप इसको लाइक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।